हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा रिव्यू लेके आई हूं जो कि मुझे बहुत हर साल बहुत हेल्प करता है इस मौसम में जो कि मॉनसून का सीजन है। इसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वायरल फीवर्स और भी कई तरह के बुखार और इम्यूनिटी वीक होना, इनडाइजेशन होना, काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हमारी हेल्थ में हो जाती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं हर साल ये बोतल जरूर पीती हूं ऐसे मौसम में जो कि मौसम चेंज हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में बहुत फर्क पड़ रहा होता है, तो मैं ये जरूर लाती हूँ। ये पतंजलि का गिलोय जूस है। तो ये वीडियो जस्ट मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे फायदा करता है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है पतंजलि का गिलोय जूस और गिलोय आप कहीं भी पता कर लीजिए। गिलोय जो होता है हमारे बुखार के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, किसी भी तरह के बुखार को अच्छा करने के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये आउटर पैकेजिंग है इस बोतल की, तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है ऊपर की और 500 ml आपको 80 रुपए में मिल जाता है। अगर ये 2018 में पैक हुआ है तो इसकी एक्सपायरी डेट 1 साल आप यूज कर सकते हैं, मगर अगर आप इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद इसे 1 महीने में आपको कंज्यूम करना होता है। तो मैं इसकी इनर पैकेजिंग भी आपको दिखा देती हूँ, इनर पैकेजिंग आपकी कैसी है। तो ये प्लास्टिक की बोतल में आता है जैसे कि और पतंजलि के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है बुखार में, गठिया, पीलिया, मूत्र विकार, मतलब कोई भी यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं या खून की कमी हो गई है या कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस मौसम में बहुत वीक हो जाती है इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा ये आप पी सकते हो कोई भी वायरल फीवर है या कुछ भी, तो क्योंकि गिलोय जो होता है सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो होता है वायरल और बुखार में, ठीक है। तो ये मैं हर साल पीती हूँ और इसे पीने का तरीका भी बहुत इजी है। आपको जस्ट मॉर्निंग में 15 से 30 ml लेना है एक ढक्कन में और आपको गुनगुने पानी में इसको मिला लेना है। ऐसे पी सकते हैं, डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो। मॉर्निंग में पीना है आपको और इवनिंग में सोते समय पीना है 15 से 20 ml। तो आपको ये 1 महीने में आपको ये खत्म करना होता है और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये काफी हेल्पफुल होता है। मैं अपने हस्बैंड को, मेरी पूरी फैमिली को मैं ये इसे देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करता है फीवर से बचने के लिए इस मौसम में, जो कि बहुत इजीली हो जाता है इस टाइम फीवर। तो जब भी इसे लेना हो अच्छे से शेक करना है और डार्क ड्राई हाइजीनिक प्लेस पर ही इसे रखना है और बहुत इजी है इसे कंज्यूम करना। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ले सकते हैं, ये मुझे बहुत हेल्प करता है। मैं हर साल इसे लेती हूँ, इस टाइम तो लेती हूँ मगर जब सर्दी से एकदम गर्मी आ रही होती है तब भी मैं इसे लेती हूँ। मतलब मैं साल में 2 बोतल जरूर पीती हूँ इसको क्योंकि मुझे बहुत फायदा करता है। तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको इसका रिव्यू पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर किसी प्रोडक्ट का आप रिव्यू चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसका रिव्यू दे दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, ध्यान रखिए अपना।